जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, मैं आरजे गैरी माय एफएम तो, और आज आपा पहुंचे हां गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी पिंड तलन। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी पिंड तलन विखे स्थित है। यह गुरुद्वारा साहब जलंधर तो तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गुरुद्वारे नूं लैके बहुत मानता है। कहा जाता है जे किसी की पासपोर्ट नूं लैके कोई दिक्कत आ रही होवे तां इत्थे खिडौने वाला हवाई जहाज चढ़ाउण दे नाल पासपोर्ट बनाउण च आ रही दिक्कत दूर हुंदी है ते विदेश यात्रा नूं लैके सारियां परेशानियां भी दूर हुंदियां ने। इस गुरुद्वारा की उसारी बाबा हरनाम सिंह जी ने करवाई सी, जो बाबा निहाल सिंह जी के सेवक सन। हर साल बाबा निहाल जी की याद विच इत्थे शहीदी जोड़ मेला मनाया जाता है। एक गुरुद्वारा साहब 150 साल तो भी पुराना है। इस गुरुद्वारा साहब विच संगतां देशां विदेशां तो गुरु साहिबान के दर्शन करने लई नतमस्तक हुंदियां ने। बाबा जी, इस गुरुद्वारा साहब की बहुत मान्यता है, संगतां दूरों दर्शन दीदारे करने लई इत्थे पहुंचदियां ने, जहाज चढ़ाए जांदे है। जे मैं हल्का जिहा इतिहास जानना चाहवां तां गुरुद्वारा साहब का इतिहास की कहिंदा? गुरुद्वारा इतिहास है जी, अज तो कोई 200-150 साल पहला बाबा निहाल सिंह जी महापुरशां ने इस जगह के उत्ते बैठ के बहुत लंबा समा अपने जीवन का जिहड़ा बतीत किया, और इस जगह पर बैठ के उन्होंने तपस्या की, मान लो सिमरन किया, बहुत परमेश्वर की आराधना की, लोग भलाई के बड़े वड्डे काम किए, संगतां नूं रब दे परमेश्वर के नाम के नाल जोड़ते रहे, कथा विचार सुनाते रहे, और सारा जीवन अपना मन लगे कि सारा ही महापुरशां ने इस जगह के उत्ते बतीत किया। और बाबा जी जदों अंतम समा आया, शरीर छड़ के जान लगे, तो तलन दीआं संगतां नूं उन्होंने बकायदा पहला वचन किया भी साडा जिहड़ा शरीर असीं हुण चले जाणा, शरीर तौर पर शरीर छड़ रहे हैं, साडा अंतम समा आ गया, और साडा जिहड़ा संस्कार है ये तलन की जगह पर किया जाए। ये जिन्नी भी जगह आपां बाबा जी दे स्थान की देख रहे हैं, सारी तलन नगर की जगह है। इस जगह के उत्ते जिहड़ा पहला दरबार बाबा जी का, अंगीठा बाबा जी का, इत्थे संस्कार किया गया, और बाबा जी बड़े बंदगी वाले महापुरश सन। अच्छा बाबा जी, जहाज़ चढ़ाए जाते हैं इस गुरुद्वारा साहब दे विच, कहा जाता है जहाज़ों वाला गुरुद्वारा, तो जिहड़े विदेशों के काम च अड़चन आ रही होंदी पूरे होंदे है, तो उहदे पिछे की इतिहास? देखो जी, लगभग मैनूं 25 साल हो गए, 26-27, अगे नहीं सी कोई इदां दी गलबात जहाजा के चढ़न की, कोई 4-5 साल तो यह काम शुरू होया। बाकी जहाजा की गुरुद्वारा साहब वालों कोई ऑफर नहीं हैगी कि जहाज चढ़ाओ ज आह गल होगी, जहाज चढ़ाओ ज आह गल हो, इदा की कोई गल नहीं गई। ये संगत ने गुरौ रीत जी पता नहीं किस तरीके तोड़ दी है। लोग हूँ दुनिया इदा होगी भी कुछ तो टीवी वाले ने नैट के उत्ते चाढ़ दिता, इदा जिदा तुम कह रहे हो, वो अनुसार लोग वेखो वेखी ये काम करी जा रहे हैं। तो साढ़े गुरुद्वारा वैसे कोई ऑफर नहीं हैगी। जो जहाज चढ़ते हैं उन्होंने आप करते हैं वो फिर जी, हूँ गुरुद्वारा साहब प्रबंधकों वालों जिदा हूँ आ बच्चे छोटे छोटे परिवारों आ रहे हैं, अखंड पाठ साहब के भोग पेंदे ने, संगत के बच्चे बहुत नाल आते हैं, जो भोग साहब अखंड पाठ साहब के भोग पेंदे ने, उदों बाद संगतां नूं सिरों पाओ हुक्मनामा देने नाल, असीं फिर ये भी वंडी जाने संगतां नूं, क्योंकि इत्थे रख ते सकदे नहीं हुण, इस करके फिर मतलब संगतां नूं नाल नाल असीं देई जांदे आ। शुक्रिया बाबा जी, चंगा लग्या गल करके। वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह। थैंक यू।